इज लर्निंग जेक्वेरी मैंडेटरी टू लर्न रिएक्ट? लुक, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि क्या पढ़ना चाहिए रिएक्ट से पहले, प्रीरिक्विजिट्स क्या हैं. ठीक है, आई थिंक ऑनलाइन भी तुम्हें ढंग से नहीं मिलेगा, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई विल टेल यू कि क्या जरूरी है क्या नहीं. ठीक है, रिएक्ट पढ़ने के लिए तुम्हें जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए. इट्स नॉट कि बेसिक लेवल पे आनी चाहिए. ठीक है, तुम्हें डॉम मैनिपुलेशन आनी चाहिए. दैट्स हाउ यू विल अंडरस्टैंड हाउ रिएक्ट इज वर्किंग. क्योंकि रिएक्ट आज है कल नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट कल भी रहेगी, अभी तो रहेगी फिलहाल तो. सो द थिंग इज, डॉम मैनिपुलेशन आनी चाहिए तुम्हें. ES6 पता होना चाहिए क्या है, उसके सारे फंक्शंस पता होना चाहिए. ये हाई ऑर्डर फंक्शंस होते हैं, मैप, फिल्टर. जावास्क्रिप्ट में, सॉरी रिएक्ट में, यू वोंट बी यूजिंग दिस इफ एल्स एंड ऑल. वहां पे टर्नरी ऑपरेटर ज्यादा चलता है, एंड ऑपरेटर ज्यादा चलता है. ठीक है, तो तुम्हें ES6 का पता होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हो ये सब पता होना चाहिए, देन यू कैन जंप टू रिएक्ट. अदरवाइज ऑल्सो यू कैन जंप टू रिएक्ट, बट द प्रॉब्लम इज देन तुम्हें रिएक्ट के टाइम पे वो सब सीखना पड़ेगा. सो यू विल बी कंफ्यूज कि अभी रिएक्ट की प्रॉपर्टी सीख रहे हो या जावास्क्रिप्ट की सीख रहे हो, क्योंकि रिएक्ट में देखो हुक्स हैं, जावास्क्रिप्ट में हुक्स नहीं है. ठीक है, सो रिएक्ट में जाके तुम हुक्स सीखोगे, कॉन्टेक्स्ट API सीखोगे, रीडक्स सीखोगे, ये सब करोगे. सो बिफोर जंपिंग टू रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग कर लो. टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो तुम जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग करके, तुम अपना बेस बना रहे हो. ठीक है, एक बार बेस बन गया, आज रिएक्ट सीख रहे हो, कल को कुछ नया आएगा वो सीखोगे, फॉर एग्जाम्पल स्विफ्ट.